साफ सुथरा है, पास में है। ये व्हाइट हाउस गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल। तो ये है कुछ जिम एरिया जहाँ पे आप जिम कर सकते हैं, सारा डंबल ये सब हर कुछ है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा पिछला ब्लॉग देखे कि आ गए हैं यहाँ पे अंकल जी के घर पे नोएडा में, तो आज जा रहे हैं हम लोग पीजी या फिर हॉस्टल देखने के लिए, क्योंकि डिसाइड किए हैं कि जो कॉलेज का हॉस्टल है उसमें रहना नहीं है, बाहर का पीजी या फिर हॉस्टल देखेंगे। तो अभी जिसमें बात की है ना, उसमें 17-18 बच्चे हैं जो कि हमारे यूनिवर्सिटी के सरदा के। तो हम अभी न्यू एडमिशन लिए हैं, तो इतना तो है कि सब हमसे सीनियर ही होंगे, तो एक छोटा सा हॉस्टल ही हो गया। तो अभी उनसे बात हो गया है परी चौक के पास है, तो अभी निकलते हैं, थोड़ा सा जाएंगे देख लेते हैं क्या है, रहने लायक है कि नहीं। आ गए पार्किंग तक, ये है कुछ पार्किंग, और हमने ले लिया एक पानी का बॉटल और चार्जर, क्योंकि क्या है तो पानी का क्या ज़रूरत है कि रास्ते में लग सकती है प्यास उसके लिए, और चार्जर ये क्योंकि जो पीजी जाएंगे तो उसका लोकेशन तो हम लोग को पता है नहीं, तो लोकेशन पता नहीं है तो लोकेशन तो मंगाना पड़ेगा ना, इसलिए चार्जर ये हैं कि अगर फ़ोन डिस्चार्ज हो गया उसके लिए। हम लोग का जो भी कॉलेज है शारदा यूनिवर्सिटी, वो है वो नॉलेज पार्क 3 में परी चौक के आसपास। तो जितना भी पीजी के लिए हम देखे हैं या फिर बात हुआ है, अप्लाई किए हैं, जो भी मतलब जो भी प्रोसेस था, तो परी चौक के आसपास लिए हैं, क्योंकि अगर दूर से जाना होता तो क्या है कि दूर से तो हम नोएडा से भी जा सकते थे, बट जाना आना वो पॉसिबल नहीं था, मतलब थक जाएगा आदमी। तो इसके लिए क्या है कि वहाँ ग्रेटर नोएडा में मतलब कहीं पर रहना है, मतलब कॉलेज से आसपास, मतलब जाने में वो हम कॉलेज का ही हॉस्टल लेते हैं, बट कॉलेज का हॉस्टल इसलिए नहीं ले रहे हैं, मेरे को एक्सपेंसिव लग रहा है, बट ठीक है उतना चल सकता है। बट क्या है उसमें प्रॉब्लम कि जो फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं ना, उनका अलग बिल्डिंग है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का अलग और फोर्थ ईयर का अलग बिल्डिंग है। तो फर्स्ट ईयर में जाके क्या फायदा कि मतलब हॉस्टल में सीनियर से मतलब मिल ही नहीं पाएंगे, कुछ डाउट होगा तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बाद में ही कर सकते हैं। तो क्यों ना मतलब सेकेंड ईयर में जाए तो हम पहले ही अप्लाई कर देंगे, तो उस टाइम पर हम कॉलेज का हॉस्टल लेंगे। तो इसलिए अभी सोचे हैं क्या है कि अभी हम बात किए हैं ना परी चौक के पास है, तो उसमें क्या है कि उन्होंने बताया है पीजी में 17-18 बच्चे हैं सिर्फ शारदा के हैं। तो 17-18 बच्चे शारदा के हैं तो मेरे से सारे सीनियर्स ही होंगे, सारे सीनियर्स इसलिए होंगे क्योंकि मेरा तो अभी एडमिशन हो रहा है, तो जो भी वहाँ पहले से रह रहे हैं तो सारे सीनियर्स ही होंगे, तो सारे सीनियर्स हैं तो हम यहाँ पे सीनियर्स से भी मिल सकते हैं, मतलब एक छोटा सा हॉस्टल के लिए हो गया है। और जैसे कि मेरे को साफ़ सुथरा रूम चाहिए था और रिजनेबल रेट पे चाहिए था, कुछ ज़्यादा महंगा ये सब नहीं चाहिए था, तो मेरे लायक वो रूम लग रहा है मेरे को। तो अभी चलते हैं, देखते हैं उनसे क्या बात होता है, मतलब मिलता है या फिर नहीं। हम तो सोचेंगे कि वो रूम मेरे को मिल जाए तो वो अच्छा रहेगा, ऐसे और भी देखेंगे, जो पसंद आएगा उसको लेंगे, तो आप लोगों को बताएंगे, पहले देखते हैं मिलते हैं, बात होता है क्या कंडीशंस है, क्या क्या यूज़ कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, तो किस तरीके का रूम लेते हैं तो वो आप सबको बताएंगे। अरे चुप भी हो जा। हाँ ये परी दिखी मेरे को। हाँ तो गाइस अभी आ गए हैं परी चौक हम, जो कि परी चौक नहीं आना था, परी चौक आने के बाद बोले कि लोकेशन भेजो, तो भेज दीजिए सर, तो आप कि हम बोले लाइव लोकेशन भेज, मतलब सर लोकेशन भेज दीजिए, तो सर भेज रहा हूँ सर, तो वो लिख के भेजे हैं नॉलेज पार्क 3 ऐसे ऐसे करके। तो अभी जिस रोड से आए उधर ही से यू टर्न लेके जाना पड़ेगा। क्या है यार, मतलब हम 3 दिन से मांग रहे हैं सर लोकेशन भेज दीजिए, सर लोकेशन भेज दीजिए सर, तो आप परी चौक पहुँचिए मेरा लड़का चला जाएगा ये वो ऐसे बोल के, अभी यू टर्न लेके फिर अभी जिधर से आए हैं फिर उधर ही जाना है। अभी देख अब यू टर्न लेके उतना लंबा जाना है ये परी चौक। अंकल जी वो कहाँ पे बुला रहा है? ओ तेरी बंद हो गया। नॉलेज पार्क 3 प्लॉट नंबर 42। बढ़िया लग रहा है, मेट्रो यहाँ तक है। लो जी इधर ट्रैफिक भी है, और कितना दूर आगे आए हैं, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर जाना है, 4 किलोमीटर आगे आके बोलते हैं कि भैया इधर आना है। वो वाला लेन खाली है जिधर से अभी हम लोग आए हैं, देखिए वो सब जा रहा है और इसमें जैम लगा हुआ है थोड़ा सा, पता नहीं लंबा है कि क्या है। गाइस ये देख लो, इस रोड में जाना था शारदा यूनिवर्सिटी के पास, बढ़िया है, लेकिन इधर मिल जाए अगर पास में रहेगा, ऑटो वोटो भी नहीं पकड़ना पड़ेगा। बट यार वो तो बोल सकते थे ना कि शारदा यूनिवर्सिटी के पास, यूनिवर्सिटी साइड तक शारदा तक कम से कम आ जाओ, तभी उधर से यू टर्न लेके 4 किलोमीटर अभी जा रहे हैं शारदा के पास। शारदा लग रहा है मेरे को, ये सब पीजी से भरा हुआ है ना। अब इधर देखना है और लियन क्या है, कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मेट्रो कॉलेज ऑफ नर्सिंग,
बॉयज हॉस्टल है ये, पूछ लिया जाए क्या कहीं पे लगा के। बोला है कि यहाँ पे 50 हॉस्टल है, वापस से घूम के आ गए हैं। पता नहीं वो क्या था, द्रोणाचार्य की घुसता ना इधर ही, कोई हॉस्टल है नालंदा है उसको मिलते कि नहीं। वाह लॉन्डो लोग है यहाँ पे, लाइफ मजे में कट रही है सबकी। देख लेते हैं इधर सारा पीजी हॉस्टल ही है तो सारा चारों तरफ देख लेते हैं, मिल लेते हैं। इसका क्या नाम है अंकल जी? ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। साफ सुथरा है, पास में है, ये है कौन सा अंकल जी? व्हाइट हाउस गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल। मेरे को ये पसंद आया, बट अभी हम इसको ऑप्शन की तरह यूज़ कर रहे हैं। जहाँ पे हम पहले बात किए हैं वहाँ पे जाए। एक्चुअली हम अभी तो ये नहीं बता सकते कि कितने का क्या है ये है, बट यहाँ पे मैंने 3-सीटर रूम देखा। इन ये लेके जाएंगे कॉलेज तक, लेके आएंगे कॉलेज तक। और आपको लंच क्या है, लंच में आपके मतलब हमारे कॉलेज शारदा तक गेट तक इनकी कैब हमारी लंच लेके जाएगी, तो वहाँ पे लेना है। मतलब जब हम यहाँ से निकलेंगे तो एंट्री का ब्रेकफास्ट करके जाएंगे और एंट्री कर देंगे लंच के लिए, तो वो हमारे वहाँ तक लंच पहुँचा देंगे। और शॉपिंग मतलब मार्केटिंग के लिए वीक में 3 बार लेके जाएंगे, तो ऐसा सा कुछ रूल रेगुलेशन है। ऐसे बाहर नहीं निकल सकते अंकल जी? जा सकते हैं तुम जब, मतलब वो मार्केटिंग बोला दूर कहीं अगर जाना है सबको तो वो फ्री लेके जाएगा ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ तो ऐसा है, तो अभी चलते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं, पापा को बता लेते हैं। अंकल जी को तो पसंद आया, मेरे को भी पसंद है। इसमें क्या है ना कि साफ सुथरा है और मेरे को जो जो चाहिए तो वो हर कुछ है, तो हम इसमें अगर 3-सीटर में भी रहना चाहें तो रह सकते हैं। मेरे को पसंद आया तो अभी चल लेते हैं, देख लेते हैं जहाँ पे पहले से बात किए थे उनसे बात करके देख लेते हैं क्या है। और थोड़ा सा इसमें मेरे को प्रॉब्लम लगा कि इसमें आपको एग्रीमेंट कराना पड़ता है, कि जैसे कि हमारा सेशन जो होता है 10 मंथ्स का होता है ना, तो हम वो नहीं चाहते हैं। अगर सपोज मान लीजिए मान लो कि मेरा कोई फ्रेंड बन गया तो हम अपना फ्लैट भी ले सकते हैं ना, तो कुछ ऐसा ऑप्शन है, तो देख लेते हैं। 1 सेमेस्टर का कम से कम अगर ये एग्रीमेंट करते हैं तो हम यहाँ पे डन कर देंगे। बीटेक के लिए कंप्यूटर साइंस। देखिए सर आप एक चीज बता दें। हाँ तो गाइस अभी आए थे इस हॉस्टल में, इसका नाम है अन्नपूर्णा हॉस्टल। इनका ऐसा 4 बिल्डिंग है, तो बैल्कनी नन बैल्कनी, इनका सारा एसी वाला रूम है, नन एसी का कोई नहीं है। आप लोगों को दिख रहा होगा बैल्कनी ये सब सारा कुछ है जी अंकल जी। हाँ तो यहाँ पे देख लिए, अभी चलते हैं, अभी घूम रहे हैं, अभी सारा देख लिए, मेरे को यहाँ वाला पसंद आया है, तो चलेंगे अभी पापा से थोड़ा सा बात कर लेंगे। हमको और अंकल जी को तो अच्छा है, मतलब ना जैसे कि 4 टाइम का खाना है इनका, सुबह नाश्ता, दोपहर का लंच और स्कूल कॉलेज लेके आना जाना, फिर शाम को स्नैक्स और फिर रात को भी डिनर। शाम का जो स्नैक्स होगा उसमें ऐसा नहीं है कि रूल नियम एकदम जो लिखा गया है एकदम वो है, इन्होंने बताया, अंकल जी को शायद पहचान भी रहे थे तो उन्होंने बताया कि बच्चे के मन से, कि वो लोग गर्मी के दिन में हैं तो कुछ रूअब्जा है, फिर कुछ ऐसा। वीक में 2 दिन नॉन वेज है, सारा एसी रूम है, 1,50,000 लग रहा है 2-सीटर के लिए, और मतलब सारा फैसिलिटी है, सारा कुछ विथ बैल्कनी है, तो सब है। अभी देखते हैं, अभी रूम का फोटोज़ मेरे को नहीं मिला है, मिलेगा या फिर हम जिस हॉस्टल में रहने लगे उसका फोटोज़ वगैरह तो आप लोग को वीडियो में देखने को मिलेगा ही। तो मेरे को पसंद आ रहा है, कॉलेज लेके आ रहे हैं जा रहे हैं, मार्केटिंग करा दे रहे हैं, फिर से खाने को बढ़िया बढ़िया मिल ही रहा है, नॉन वेज मिल रहा है, हर रूम में अलग अलग राउटर है, आपको मतलब नेट का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, गीजर ये सब सारा चीज़ का फैसिलिटी है। ये सब उसमें भी था लेकिन उसमें थोड़ा कम था व्हाइट हाउस वाले में, तो अन्नपूर्णा मेरे को पसंद आया। और इसका 5-स्टार होटल का जैसा रूम होता है ना एकदम वैसा कुछ सीन है, मतलब बढ़िया है, खाना भी क्वालिटी का है, तो सब कुछ ठीक ही ठाक है। और यहाँ से शारदा वॉक डिस्टेंस पे है, मतलब 5 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो देखते हैं अभी 1-2 और देख ले रहे हैं, और जहाँ पे होता है फिर पापा से बात करते हैं, समझा देते हैं और फिर चलते हैं। तो गाइस जैसे कि देख लो ये हॉस्टल में आए हैं, तो ये वहाँ पे एक ऑरेंज बिल्डिंग दिख रहा होगा वहाँ पे छोटा सा, ये वो अपना कॉलेज है, एसी रूम, और ये कुछ अपना बेड है, ये 3-सीटर रूम है। हम जहाँ पे भी देख रहे हैं ना अभी 3-सीटर 2-सीटर दोनों देखे हैं, अभी यहाँ पे अभी देख लेते हैं क्योंकि शारदा के पास में, देख लेते हैं क्या है। और देखिए ये रूम है, सबका अलग अलग टेबल पर, ये कवर्ड है। अंकल देखिए एक मिनट, वॉशरूम, ये कुछ वॉशरूम है, ये गीजर, ऐसा कुछ है।
बॉक्स वाला। कहाँ से हो भैया आप? आरा जिला। मतलब जिसको खाना होगा यहीं पे बैठ के खाएगा है ना? हाँ, मैं सारा चीज़ देखा हूँ। ये व्यवस्था इधर खाने पीने की। तो ये है कुछ जिम एरिया जहाँ पे आप जिम कर सकते हैं, सारा डंबल ये सब हर कुछ है। तो यहीं भी देख लें, अगर पसंद आ गया तो आज ही शिफ्ट कर लेंगे, इसमें क्या है। तो जैसे कि खाने का एरिया, ये है जिम का एरिया, बढ़िया है। हाँ तो गाइस, ये रहा अपना शारदा। ओहो, अपना शारदा यहीं पास में है, मतलब वॉक डिस्टेंस पे ही है सब कुछ। यूनिवर्सिटी मेट्रो स्टेशन, मतलब अगर जो दूर वाला है वो मेट्रो से यहाँ पे आके उतर के भी जा सकता है। शारदा यूनिवर्सिटी मेट्रो ये रहा। तो कुल मिला के डिसाइड करके, पापा से बात करके, तो देखते हैं कल शिफ्ट करते हैं कि परसों, मतलब कल डिसाइड कर लेंगे और उनको बता देंगे, जो भी उनका बुकिंग अमाउंट है जो भी है वो कर देंगे। तो चलिए आज के ब्लॉग में बस इतना ही, चलते हैं देखते हैं कौन सा डन होता है, वो तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और अभी जाते हैं घर, क्योंकि आज का पूरा का दिन मतलब हॉस्टल ढूंढने में ही लग गया। तो चलिए, अब जो भी अगर हम रूम लेंगे वो आपको देखने को मिलेगा, बट हम डिसाइड किए हैं एक और जिसका नाम नहीं बता रहा ना, उसमें नॉन एसी वाला देखे हैं वो हम लेंगे, और नहीं तो उसमें लेंगे तो वो अन्नपूर्णा पूरा एसी ही है, उनका जितना भी बिल्डिंग है पूरा एसी है, तो उसमें बैल्कनी और नॉन बैल्कनी का उनका वो अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है, तो उसमें नॉन बैल्कनी वाला ही लेंगे अगर उसमें लेंगे तो। तो देखिए कौन सा डिसाइड करते हैं, वो आपको आगे का ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो बस इतना बता दीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ग्रेटर नोएडा में पीजी या फिर हॉस्टल का देख रहा था जितना भी ब्लॉग, तो मतलब मेरे को नहीं मिल पा रहा था कोई ढंग का क्या मतलब कि हॉस्टल नहीं देखने को मिल पा रहा था, कैसा क्या है। रूम में बैठ के सब लोग जो ब्लॉग करते हैं वो बता देते सारे ब्लॉगर की ऐसा है ये वो है, तो मेरे को खुद से देखना था। तो अगर आपको ये वीडियो से हल्का सा भी आइडिया आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय।